अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशाइख अहमद मियां निजम न्यू इंडिया में आपका खैर मकदम करता हूँ। वटेपल्ली फातिमा नगर नज़्र दोपहरिया मस्जिद के पास खाने की तकसीम जारी है। ये खाने की तकसीम जिस दिन से लॉकडाउन शहर हैदराबाद रियासत तेलंगाना में तब से लेकर आज तक और आने वाले लॉकडाउनों के दिनों में ये खाने की तकसीम जारी रहेगी ज़ेर निगरानी साजिद भाई। साजिद भाई का कहना यह है, इसके स्पॉन्सर जो हैं, जो ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन्होंने अपना नाम बताने से विरोध किया है। जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से यहाँ पर हमारे पास बस्ती में खाना आ रहा है, और जो खाना आता है लगभग सुबह 500 और शाम में 500 लोगों का खाना आता है, लगभग दिन में 1000 आदमी का खाना आता है। और जो खाना हमारे पास जो भिजवा रहे हैं, उन स्पेशल बोल रहे हैं कि भाई हमारा नाम वगैरह नहीं चाहिए। अब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आज से भी है तो ये आपको पता नहीं चलना चाहिए। वो हिसाब से दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि यहाँ पर ये बस्ती में आवाम को सिर्फ खाना मिल रहा है, जो राशन की किटें वगैरह जो आ रही हैं, जो गवर्नमेंट से जो मदद आ रही है, जो पैसे वाले लोग जो मदद कर रहे हैं, और बस्तियों को डबल डबल जा रहा है मेरे हिसाब से, और हमारी बस्ती को सिर्फ खाना आ रहा है। और जो आप जानते हैं कि जो जरूरतमंद है वो हवा बारिश पानी या खाने की गाड़ी का भी इंतफाक आधा घंटा लेट भी हुई तो वो बेचारे भगोने लेकर हमारे पास लाइन में ठहर कर खाना ले रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनके घर तक किट नहीं पहुंची, जिनके घर तक पैसा नहीं पहुंचा, वो सारे लोग यहाँ पर लाइन में ठहर के खाना ले रहे हैं। बहुत सारी बस्ती है यहाँ पर, दो चार गलियां और भी है, मैं आपको बता रहा हूँ वो गली तक तो खाना भी नहीं पहुंच रहा था। तो मैं एक सोशल वर्कर हूँ मोहम्मद सिद्दीक, सब गलियों में दो दो कैन खाना जो है ना मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ टीम की मदद से। ये लॉकडाउन खत्म होने तक बांटेंगे, और जो खाना हमको भेज रहे हैं उनका बोलना ये था कि 1 तारीख तक खाना देंगे, मगर मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी उनसे मैं हाथ जोड़ के गिनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक ये लॉकडाउन चलेगा ये आवाम को खाना जहाँ पर जैसा आ रहा है वैसे ही आता रहेगा, आना चाहिए, मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है उनसे। सर ये मैं अकेला हूँ सर, और मेरी फैमिली के मेरे भाई है, मेरे भतीजे, मेरे भांजे हैं, हम सब मिलके हेल्प कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं। और ये फातिमा नगर कपूरिया मस्जिद के पास जितने दुकानें लग रहे हैं, गोश्त की दुकान है, तरकारी की दुकान है, दूध की डोडी है, और एक राशन की शॉप है हमारी अली भाई की, राशन की शॉप पे ई सेवा पे सारा सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ, बेहतर जानते हैं बस्ती के भी लोग। बिल्कुल मैं जो है ना लॉकडाउन जब से हुआ है बस यही काम में लगा हूँ, मुझे कोई नाम नहीं चाहिए, ना ही मैं कोई पार्टी से हूँ, बस एक सोशल वर्कर, अल्लाह ने मेरे से काम लिया और मैं ये लॉकडाउन के जब से बस ये मेहनत कर रहा हूँ कि अल्लाह को ये मेरी मेहनत कबूल कर ले, बाकी मेरा कोई मंसूबा नहीं है कि बाकी मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ। आवाम को क्या मैसेज देंगे? आवाम को ये मैसेज दूंगा कि भाई सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखे, ये बीमारी से बचे, समझे। बहुत सारी आवाम को ये लग रहा है कि भाई सिद्दीक साहब ये क्या कर रहे हैं, बस मेरा एक मकसद था कि लोगों में सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखूं और हमारी बस्ती तक कोरोना वायरस जैसी बीमारी नहीं आए। तो अल्लाह के फजल करम से अभी तक वट्टेपल्ली फातिमा नगर कपूरिया मस्जिद के पास ऐसी कोई बात, ऐसा कोई कोरोना वायरस जैसा पेशेंट, ऐसी कोई अभी तक हमारे पास मैसेज नहीं आया है। और अल्लाह से दुआ है मेरी इस पाक रमजान के महीने में कि ऐसा कभी यहाँ पर ऐसी बीमारी जैसा मैसेज भी यहाँ पर नहीं आए। तो यहाँ आवाम से मैं अपील करता हूँ, फातिमा नगर कपूरिया मस्जिद की जितनी भी आवाम है सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखे, कानून को हाथ में ना ले, ठीक है। तो दोस्तों जो खाना आ रहा है बस खाने का भी जो ना पब्लिक देख सकते हैं आप, यहाँ पर बहुत सारी लाइन लगी हुई है, आप पूरा कम्प्लीटली आप देख सकते हैं कि दूर से गलियों में से इधर से आकर खाना लेकर जा रहे हैं। तो जो पैसे वाले लोग हैं, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो पैसे वाले लोग हैं जो किट जो वगैरह बांट रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो खाना लेने आ रहे हैं वो आखिर वो गरीब और मुस्तहिक लोग हैं, उन तक जो है ना वो किट पहुंचे। डेली कितने आदमी को खाना डिस्ट्रीब्यूट? सर डेली 1000 आदमी का खाना मेरे पास आ रहा है सर, मेरी गली में जितना मैं देना चाहता हूँ दे रहा हूँ, जितना लग रहा है उतना दे रहे हैं, बाकी का खाना यहाँ से हटके दो चार गली इधर, यहाँ से हटके दो चार गली इधर हम बेच रहे हैं सर।